नगर निगम धर्मशाला एक ऐसी नगर निगम है जहां लोगों के भवनों के नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। आलम यह है कि निगम कर्मियों और लोगों में आए दिन इसी बात को लेकर कहासुनी होना आम बात हो गई है। भवनों के नक्शे पास करवाने में पेश आ रही समस्या से निजात में अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग दिलाने जा रहा है। पिछले लंबे समय से नगर निगम में कमर्शियल भवनों की कंप्लीशन लोगों को नहीं मिल पा रही है। नगर निगम धर्मशाला एक ऐसी नगर निगम है जहां लोगों के भवनों के नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। आलम यह है कि निगम कर्मियों और लोगों में आए दिन इसी बात को लेकर कहा सुनी होना आम बात हो गई है। भवनों के नक्शे पास करवाने में पेश आ रही समस्या से निजात में अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग दिलाने जा रहा है। पिछले लंबे समय से नगर निगम में कमर्शियल भवनों की कंप्लीशन लोगों को नहीं मिल पा रही थी, वही आवासीय भवनों के नक्शे पास नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में शहरवासी कई बार नगर निगम से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन तकनीकी कर्मचारी की नियुक्ति ना होने की वजह से लोगों को जहां नक्शों के मामलों में दिक्कतें पेश आ रही हैं। गौरतलब है कि नगर निगम में स्टाफ की कमी चली हुई है, जिससे जहां विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं वही निगम की व्यवस्थाएं भी डगमगा रही है। नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने बताया कि कमर्शियल भवनों के कम्प्लीशन सर्टिफिकेट और आवासीय भवनों के नक्शे पास न होने की वजह से शहरवासियों को परेशानी हो रही थी। अब टीसीपी ने सीनियर ड्राफ्ट्समैन की नियुक्ति की है जो कि 2-3 दिन में ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद जो नक्शों की पेंडिसी है उसे दूर किया जाएगा। सर, नगर निगम में नक्शे भी पास नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसलिए किस तरह की व्यवस्था नगर निगम करने जा रही है? क्योंकि स्टाफ की कमी है, इसलिए जो हमारे कम्प्लीशन सर्टिफिकेट है जो कमर्शियल बिल्डिंग की, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और जो हमारे रेजिडेंशियल मैप है उसमें भी थोड़ी कमी है। लेकिन अभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से हमें एक सीनियर ड्राफ्टमैन की अपॉइंटमेंट यहाँ उन्होंने सेकंडमेंट बेसिस पे उन्होंने यहाँ की है। मुझे लगता है 1-2 दिन में वो ज्वाइन कर जाएंगे तो थोड़ी सी पोजीशन हमारी ठीक होगी उससे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।